हेलो फैंस, तो आज हम बात करेंगे डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स के बैटमैन की स्टोरी कवर करेंगे। और स्टोरी हालांकि स्टोरी नहीं, ये होगी फैट्स, जैसे कि सुपरमैन्स में थे। तो ऐसे कुछ फैट्स जो आप शायद बैटमैन के बारे में नहीं जानते होंगे, उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। फैट नंबर वन यही है कि बैटमैन अलग है अपने कॉमिक वर्स के सभी बैटमैन से। इसका मेन रीज़न जो बताया जाता है वो है इसका प्रॉमिस, इसका वादा, जो कि अलग है कॉमिक वर्स के बैटमैन से। कॉमिक वर्स के बैटमैन का था वादा कि जो हादसा उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ होने नहीं देगा। उसने ये वादा किया था खुद से और अपने ख़त्म हो चुके फैमिली से, जिसके लिए उसने क्राइम से लड़ने के लिए बहुत कुछ सीखा, फाइटिंग स्टाइल और कॉस्ट्यूम मनाई और फिर डर का सामना किया और मन गया बैटमैन, क्योंकि डरता था वो बैट से और बैट से मना बैटमैन। बट एनिमेटेड यूनिवर्स का बैटमैन ऐसा नहीं था, उसकी कहानी थोड़ी अलग थी। उसने ये वादा ज़रूर किया था कि जो उसके साथ हुआ किसी के साथ नहीं होगा। उसने अपने डर को भी जीत लिया और यहाँ तक उसने बहुत कुछ फाइटिंग नई स्टाइल सीखी और गॉथम सिटी में लौटा। पर जब उसने क्राइम से लड़ने की सोची तो उसने वो पहली बार अपने बैट कॉस्ट्यूम में नहीं था, वो एक निंजा कॉस्ट्यूम में था एक तरह से। पर विलन्स उससे डरते नहीं थे। उसका पहला कारनामा बिना बैटमैन के कॉस्ट्यूम में था और गॉथम सिटी में एक अननोन पर्सन इसे इनके तौर पर समझा गया था। और इसका वादा कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन इसका वादा थोड़ा अलग था। लेकिन वादा इस वजह से अलग था, सबके बाद भी यह बैटमैन नहीं मना, लेकिन इसे सच्चा प्यार अपने गॉथम शहर पर ही मिल गया था। पर जब उसकी डेस्टिनी में वो प्यार दूर हो गया तो इसके लिए दो लाइफ जीना आसान हो गई, लेकिन इसके पास बैटमैन बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि बैटमैन की कॉस्ट्यूम इसके दिमाग में घूम रही थी बहुत पहले से, जिसके लिए उसने ड्रॉ भी किया था और मन गया बैटमैन। तो पहला फैट्स लंबा है, तो अगले फैट्स की तरफ चलते हैं। पर उससे पहले ये बैटमैन के स्ट्राइक हो जाए, तो फ्रेंड्स फैट नंबर टू है बैटमैन का कि बैटमैन की कॉस्ट्यूम में चेंज होता हुआ बैट सिंबल। बैटमैन की बहुत सी कॉस्ट्यूम में बहुत से आर्मर जिसमें बैट सिंबल सेम नहीं रहता, पर लेकिन गॉथम सिटी में बैट लाइट चलने वाली वो सिंबल सेम रहता है बस। हालांकि इसका कोई मेन रीज़न नहीं यहाँ समझ में आता, पर लेकिन ये बैट सिंबल एक समुराई के आर्मर में भी था, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सेम बैट सिंबल हम बैटमैन की कॉस्ट्यूम में भी देखते, जो सबसे पुरानी वाली थी। तो बढ़ते हैं अगले फैट्स की तरफ। तो फैंस, बैटमैन का अगला फैट है फैट नंबर थ्री कह सकते हैं हम इसे, जिसमें दो फैट है देखा जाए तो। बैटमैन के विलन्स, कि बैटमैन को बैटमैन बनाया उसके विलन्स ने, वो इतना दिमागी और शारीरिक रूप से ताकतवर नहीं था जितना उसके विलन्स ने बना दिया उसे। जैसा कि स्केफ रोग का स्केयर तो बैटमैन को लगा, तो बैटमैन को जोकर जैसे और भी विलन्स डराने लगे, पर बैटमैन ने अपने डर को काबू किया। तो बैटमैन के डर में उसके कुछ सुपर विलन्स भी आ जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है। बट बैटमैन के एक्शन मूव्स और बेहतर हुए और विलन्स के साथ लड़ते लड़ते बैटमैन पहले से भी ज़्यादा बैटमैन बना, लेकिन वो और फाइट में इंजर्ड नहीं होता था इतना। तो बैटमैन के विलन से बहुत से हैं, जैसे कि कैट वूमन, मिस्टर फ्रीज, जोकर और हार्ली क्वीन, मिस्टर पेन और क्लेमैन,
हालांकि और भी बहुत है, स्केफ्रो भी है, पॉइजन आईवी और बहुत से है। और इन विलन्स में आता है फैंटम भी आता है। अब जिसको नहीं पता कि बैटमैन का ट्रू लव क्या था, और मास ऑफ द फैंटम मूवी देख लेना, मैंने पहले बता दिया है, लेकिन ज़्यादा स्पॉलर नहीं करना चाहता मैं। बैटमैन के पहला साथी है उसका अल्फ्रेड, और है निक क्रेशन फर्स्ट रॉबिन। फैट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैट है बैटमैन हु इज द बेस्ट। बैटमैन के पास जोकर तो बहुत है, मतलब जोकर तो एक ही है पर विलन्स के, पर हम इस जोकर को जानते हैं एनिमेटेड सीरीज में, कहा पता है, और ये भी बहुत बार चेंज हुआ है। बट अगला फैट है कि बैटमैन के एक्शंस के मामले में निक क्रेशन बेहतर है बैटमैन से। कैसे? क्योंकि देखा, बैटमैन खुद मानता है कि निक क्रेशन बैटमैन से बेहतर है फाइटिंग में, पर दिमागी डिटेक्टिव स्किल्स उसके इतने अच्छे नहीं हैं। तो अपने डिटेक्टिव स्किल्स को आजमाने के लिए ही निक क्रेशन चला गया था बैटमैन को छोड़ के। उसने बनाई अपनी अलग टीम, उसका नाम था टीन टाइटंस। और बैटमैन का पहला रॉबिन बाद में चेंज होके बना नाइटमैन। पर इसके अलावा बैटमैन के पास और भी रॉबिन, पर जो सेकंड रॉबिन था उसे जोकर ने ख़त्म कर दिया। हाँ, और एनिमेटेड यूनिवर्स में वो रॉबिन जिंदा नहीं होता। पर हम बात करते हैं अब अगले फैट्स की, जो होगा लास्ट फैट। बैटमैन का लास्ट फैट है कि बैटमैन लाइफ टाइम अकेला रहा। लाइफ टाइम अल्फ्रेड के गुजर जाने के बाद बैटमैन अकेला पड़ गया, तो वैन मैन्यू में बैटमैन अकेला था। यह उसका लाइफ टाइम, उसका बुढ़ापा काफ़ी टाइम तक अकेले बीता, जब तक कि कोई अगला नहीं आया बैटमैन बनने के लिए। तो हाँ, बात करेंगे अब बैटमैन के कुछ फ्यूचर की। तो फैंस, ये था बैट जोक, लेकिन वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई, बैटमैन के भी और फैक्ट्स बाकी है। बैटमैन की सीरीज में नाइटविन बैटमैन की मदद करने आता रहता है, पर हम बैटमैन की एक अलग बात करेंगे। तो बैटमैन का मोस्टली बचे हुए रॉबिन्स में से एक जो रॉबिन डेथ हो गया, उसका नाम था जेसन जॉर्ज, उसका नाम जेसन नाम था, और वो सेकंड रॉबिन था, और वो डेथ हो गया था, जोकर ने उसे ख़त्म कर दिया था। पर जोकर का एक आखिरी कारनामा बैटमैन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उससे बैटमैन ने रिटायर कर दिया था सभी बैट फैमिली को, सिर्फ खुद को छोड़कर सबको रिटायर करने में कर दिया था। अगर आखिरी कारनामा क्या था वो आप रिटर्न ऑफ दी जोकर में मूवी में देख सकते हैं, मैं स्पॉलर नहीं करना चाहता। और जोकर की डेथ के बाद कह सकते हैं कि बैटमैन फैमिली एक तरह से सब रिटायर हो गए, सिर्फ बैटमैन को छोड़कर, जब तक वो बूढ़ा नहीं हो गया कि वो खुद रिटायर हो जाए। बात करते हैं अगले फैक्ट्स की। जैसे कि आप जानते होंगे, बाबरा गॉर्डन है बैट गर्ल, पर ये बैटमैन से मिलने से पहले उसने बैट कॉस्ट्यूम बनाई थी। तो बात है, बैटमैन ने इसे अपने साथ कर लिया, ट्रेनिंग दी थी, जिस वजह से बैट गर्ल। तो बात करते बैटमैन के कुछ फ्यूचर की। तो बात करते बैटमैन के तीसरे रॉबिन की, जिसका नाम था टीम ड्रेक, और ये पहला रॉबिन था जो और रॉबिन से अलग था थोड़ा, लेकिन ये फर्स्ट रॉबिन की तरह निक क्रेशन की तरह था, और ज़्यादा वायलेट नहीं था, लेकिन जेसन जॉर्ज था वायलेट जो सेकंड रॉबिन था थोड़ा। तो ये थर्ड रॉबिन था, और इसके साथ ही हुआ था एक जोकर का आखिरी हादसा, जिसकी वजह से बैटमैन ने रिटायर कर दिया सभी बैट फैमिली को जल्द से जल्द। और हाँ, रिटायरमेंट में सब शामिल थे, तो रेड रॉबिन था, मतलब तीसरा ही रॉबिन रेड रॉबिन था, उसकी कॉस्ट्यूम रेड थी, उसने अपनी बनाई थी कुछ अलग। तो ये था तीसरा रॉबिन। तो बात करते फ्यूचर की। मैंने कब से कह रहा फ्यूचर की बात करने के लिए, आप नहीं जानते होंगे
बैटमैन फैन है सोलो का, सोलो सीरीज, लेकिन बैटमैन देखा जाए एक नया वर्जन है सोलो का। बैटमैन ने सोलो सीरीज देखी थी बचपन में और उसी टाइम उसके साथ हादसा हुआ था, पर बचपन में सोलो सीरीज देखे हुए ब्रूस वेन ने आगे चल के बैटमैन की गॉड्स मनाई और सोलो की तरह ही उसने अपने दो रूपों को रखा थोड़ा। फ्रेंड्स, ये फैक्ट शायद आप नहीं जानते थे, फ्रेंड्स बैटमैन का लुक और बिहेवियर है जैसे कि सोलो मिक्स ड्रैकुला, एक नए वर्जन का ड्रैकुला या फिर सोलो भी कह सकते हैं, पर सोलो और कॉम्बो ड्रैकुला बन जाते बैटमैन, क्योंकि बैटमैन का बिहेवियर ऐसे है कि ज़्यादातर बैटमैन नाइट में काम करता है, जैसे कि ड्रैकुला नींद में अंधेरे में जागता है वैसे ही। और एक तरह से एक मूवी भी थी एनिमेटेड जिसमें ड्रैकुला को प्रेजेंट किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह है फ्यूचर वाला बैटमैन, इसका नाम बैटमैन बियॉन्ड सीरीज का बैटमैन, और ये फ्यूचर कॉस्ट्यूम में है और इसका असली नाम टेरी मैकिनस है, और एक तरह से बैटमैन का ये डीएनए के ऊपर बेस्ड मना हुआ मतलब है, ये उसका एक तरह से बेटा है, क्योंकि इसका पास है बैटमैन का डीएनए जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट के एक शख्स ने किया था, जो कि आप सीरीज देखेंगे जब भी आपको पता चलेगा, मैं स्पॉइलर नहीं करना चाहता। और इसमें अच्छी बात है कि पूरे बैटमैन की तरह है और नहीं भी थोड़ा अलग है, और इसने बैटमैन की कॉस्ट्यूम जुड़ाई थी बैटमैन से, और बैटमैन ने इसी के सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करी थी, जबकि आमतौर में नहीं करता कि कोई बताता है किसी कि आई एम बैटमैन, पर यकीन नहीं होता इसे, और ये सोचता है कि वो बैटमैन का बहुत बड़ा फ़ैन है, पर बाद में से रियलाइज़ होता है बैटमैन कॉस्ट्यूम छुड़ा के और यूज़ कर पता चलता कि वो असली बैटमैन था, तो ये बैटमैन के साथ ही काम करता है। तो ये गॉथम सिटी का नया बैटमैन है और ये नए जोकर से भी लड़ता है और नई जस्टिस लीग में भी भर्ती होता है। तो फ्रेंड्स, ये है फ्यूचर वाला बैटमैन और ये मिल चुका है थर्ड रॉबिन से यानी टिम ड्रेक से, और बैट गर्ल से भी, जो कि कमिश्नर गॉर्डन की तरह ही कमिश्नर बन जाती है फ्यूचर में, लेकिन बैटमैन से रिटायर होने के बाद। फ्रेंड्स, अब वीडियो को इस तरह से एंड, अब बात करते हैं उसी कुछ गेम के बारे में जो प्लेइंग स्टेशन 2 में है। आवाज़ मुझे पता है ठीक नहीं लगी होगी शायद आपको, पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो बढ़ते हैं अब इसके वीडियो गेम के बारे में बताएंगे। तो फैन, आपको आज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ बताऊंगा, बांदा आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वीडियो मुझे लानी थी, तो जल्दबाजी में थोड़ी वीडियो गड़बड़ भी हो गई, तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देंगे इसके लिए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जोकर नहीं था, वो एक आम गैंगस्टर था, वो डरता था बैटमैन से, पर जब वो जोकर बन गया था वो बैटमैन से नहीं डरता था, पागल से इनकी होने के अलावा वो लोगों को हंसा हंसा के मारने में बिलीव करता है, और वो बैटमैन को भी ऐसे ही मारना चाहता था, पर लंबी सीरीज में चलते हुए उसने बैटमैन को ऐसा नहीं मारा, पर उसने आखिर में कोशिश करी बैटमैन को मारने की हंसा हंसा के या फिर रुला रुला के देखा जाए तो, पर ऐसा हो नहीं पाया, पर आखिर में जोकर मर गया, और वो मर के भी जिंदा हुआ एक बार, पर एक बार भी काफ़ी था। एनिमेटेड सीरीज में जब कोई मरता है तो परमानेंटली मर जाता है बैटमैन की सीरीज के हिसाब से, और जोकर एक बार मर के जिंदा हुआ था वो 70 साल लग गए थे लगभग। तो पढ़ते हैं अगली तरफ, बैटमैन से लोग यूं ही नहीं डरते, तो बैटमैन से इसलिए नहीं डरते कि वो बैट कॉस्ट्यूम पहनता है, बैट कॉस्ट्यूम तो है डरावना पर लेकिन उसकी आंखें जो वाइट चमकती है वो डराती है विलन्स को। और दोस्तों, बैटमैन से सिर्फ विलन्स नहीं, ना ही सुपर विलन्स डरते हैं, बच्चे भी यानी सब डरते हैं बैटमैन से।
बैटमैन का लुक ही ऐसा है जो बैटमैन ने चुना है। और अब इसके अलावा बैटमैन फैट्स ख़त्म होते हैं। चलो चलते हैं गेमिंग पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है आपकी गेम में जो बैटमैन के ऊपर बेस्ड है, ये है लिगो की गेम, बैटमैन लिगो। लिगो बैटमैन द वीडियो गेम, ये है प्लेस्टेशन 2 में अवेलेबल, यानी नए एमुलेटर से चला सकते हैं प्लेस्टेशन 2 के। और फ्रेंड्स, अगले की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है एनिमेटेड सीरीज बैटमैन के ऊपर बनी गेम, और इसमें बैटमैन की आंखें वाइट है, लिगो में भी वाइट है, क्या बात। तो यह बैटमैन वेंजेंस, और इसके बाद है एक और जिसका नाम है बैटमैन राइज ऑफ द सैन, क्या लिखा आखिर में दिख नहीं रहा सही से। और मेरे फ्रेंड्स, अगर आप सलाह माने तो बैटमैन की वाली गेम बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बैट फैमिली है, जैसे कि नाइटविन, रेड रॉबिन है और बैट गर्ल है, जैसे बैट फैमिली है पूरी इस गेम में, और इसमें नहीं है। ये भी प्लेस्टेशन 2 की गेम है। और इसके अलावा है बैटमैन बिगेंस, मूवी के ऊपर बेस्ड है, और ये भी गेम बहुत अच्छी है, इसके अच्छे ग्राफिक्स हैं, हालांकि सभी के अच्छे ग्राफिक लगते हैं मेरे को तो, पर बैटमैन बिगेंस का और अच्छा ग्राफिक है। ये एनिमेटेड सीरीज है और इसमें आपको फील होता है जैसे एनिमेटेड यूनिवर्स में हो आप, बैटमैन की दुनिया में। और इसके अलावा बैटमैन की और भी बहुत सी गेम है जो पीसी में, जैसे बैटगम आरगम, पर वो मैंने इसमें नहीं ऐड करी। और इनजस्टिस भी है, पर जो कि पीसी में खेल सकते हो, और उसमें बैटमैन ऐसा नहीं दिखता, मतलब आंखें नहीं दिखती, तो बैटमैन वो है बियॉन है उसमें। पर इनजस्टिस गेम भी अच्छी है, पर लेकिन उसके लिए चाहिए थोड़े ग्राफिक्स और रैम 2GB, जो कि मेरे पास है, और मैंने आपको सेटअप दिखाया था, एक छोटी मोटी वीडियो दे डाल रखी है, बट और ज़्यादा नहीं डाल सकता। तो ये है आपकी प्लेस्टेशन 2 की बैटमैन गेम्स। इसके अलावा ऐसी वीडियो और आएगी, सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्ते, फिर मिलेंगे।